नमस्कार। शनि महाराज 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक, दैट मीन्स 139 डेज तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए वह क्या फल देंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन दिया जा रहा है वह वैदिक जन्म राशि के आधार पर दिया जाता है। सो जब आपका जन्म हुआ तब आपका चंद्र यदि मेष राशि में है तो यह प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। इतना ही नहीं, यदि आपका नाम मेष राशि के वर्ण अक्षर के ऊपर है, दैट मीन्स आइदर ए या अ या ल एल या फिर ई, ये तीन अल्फाबेट के ऊपर आपका नाम है, तो आपका जो नाम राशि है वह मेष राशि हुआ और तब भी आपके ऊपर यह प्रिडिक्शन एप्लीकेबल रहेगा। सर्वप्रथम तो शनि कुंभ राशि में वक्री रहेगा, दैट मीन्स आपकी राशि से वह 11th राशि में या 11th हाउस में वक्री रहेगा। उसका अर्थ ये हुआ कि उसकी जो इफेक्ट है वह आपके फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 8th हाउस के ऊपर रहेगी। उसका अर्थ ये हुआ कि आपका 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 8th हाउस एक्टिवेट रहेगा। अब इस तरह के ग्रह परिणाम के लिए मंत्रेश्वर मुनि ने यह सूत्र दिया है, वक्रम शने ही एकादशे लाभदायकम। अर्थात यह वक्री शनि की अवस्था जो कि आपकी 11th राशि में हो रही है वह आपके लिए लाभदायक रहेगी। सर्वप्रथम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, कोई नए डिसीज़ नहीं होंगे और जो पुराने डिसीज़ आपको होके रखे उन सब में आपको राहत मिलेगी। मेडिसिन्स आपके ऊपर काम कर जाएगी और यदि कोई सर्जरी आपने प्लान करके रखी हुई है तो शायद वह सर्जरी टल भी जाए, उस तरह की रिकवरी आपकी होगी। हालांकि आपको किसी भी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी को ड्यूरिंग दिस टाइम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको चोट लगने की संभावना है। आपकी मेंटल हेल्थ या फिर आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर आपको काम करना होगा, क्योंकि आपको सेटबैक मिले और मन में एक तरह की उदासीनता छाई रहे ड्यूरिंग दिस टाइम, ये भी पॉसिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होगी। यदि काफ़ी लंबे समय से आपकी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे थे तो याद रहे दिस इज़ द टाइम ऑफ योर लाइफ। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी कि आपको उसमें से चूज़ करना होगा। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपके लिए यह समय बहुत सारी नई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। इतना ही नहीं, ओवरसीज से आपको बहुत ग्रेट फ़ायदा होगा। यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपकी पोजीशन बढ़ेगी, हालांकि सैलरी में उतना उछाल नहीं आएगा और उसके कारण एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट भी बना रहेगा। आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है और यदि बहुत समय से उसमें डिस्प्यूट चल रहा है तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन वहाँ से प्राप्त होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। फ्रेंड्स के साथ मन दुख हो, मिसअंडरस्टैंडिंग जो उस तरह के ग्रह योग आपके हैं, तो आपको बोलने से पहले या फिर आपके बिहेवियर से पहले आपको दो दफ़े सोचना चाहिए। हालांकि आपका सोशल सर्कल इस समय के दौरान बढ़ेगा और रिलेटिव्स के साथ आपका समय बहुत ही अच्छा जाएगा। माता पिता के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाने के योग भी इस समय के दौरान क्रिएट हो रहे हैं। आपका संतान सुख उत्तम रहेगा। यदि आप संतान प्राप्ति करना चाहते हो तो इस समय का आप सदुपयोग करो, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। एक बात और भी है कि जो यदि आप मैरिड हो तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ गलत फहमियों के कारण थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा। यदि आप सिंगल हो तो इस समय के दौरान आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय टाइम ऑफ योर लाइफ रहेगा। जितनी आपने मेहनत की होगी उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। यदि आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो इस समय के दौरान आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। स्कॉलरशिप मिलने के भी प्रबल योग इस समय के दौरान है। विद्यार्थियों से हमारी सलाह है कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। अंत में आने वाला
वक्री शनि का यह समय मेष राशि वालों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु, प्रणाम।